My name is Rubina Chaudhary and today I am starting class 12 chemistry chemical thermodynamics. It is one of the most important chapter of your physical chemistry. Student, this lecture is for academic year 2020 and 21. That means we will be only covering for the syllabus which is given for this time. Now students, when we are talking about chemical thermodynamic, this chapter has a very good weightage in your board exams and as well as in your entrance exam. Students, when we are talking about chemical thermodynamic, firstly let us focus what does the word chemical thermodynamics mean. Chemical thermodynamics mein, firstly we will see what is thermo and what is dynamic. बच्चों, जब हम थर्मो की बात करते हैं, थर्मो इज अ फॉर्म ऑफ अ हीट और इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी. मतलब तुम इसे हीट बोल सकते हो. कभी भी थर्मो आया तो इट इज स्टैंडिंग फॉर अ हीट. तो अगर थर्मो का हम मीनिंग लिखे तो इट इज हीट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स, जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो कभी भी डायनामिक्स का मतलब आप सबको पता होगा, एनीथिंग दैट इज़ इन मोशन या कोई चीज़ मूवमेंट कर रहा है तो उसे हम डायनामिक बोलते हैं. तो थर्मोडायनामिक इन शॉर्ट क्या हो गया? थर्मोडायनामिक इन शॉर्ट इज़ अ हीट इन मोशन. अगर हीट मोशन में होता है उसी को हम केमिकल थर्मोडायनामिक बोलते हैं. अब ये समझने के लिए कि व्हाट इज हीट इन मोशन, वी विल गो एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. बच्चों, ये जो चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है. मतलब अगर मेरे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि केमिकल एनर्जी है या हीट एनर्जी है, अगर मैंने केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट करते वक्त, सपोज़ मेरे पास 1000 किलो जूल की हीट एनर्जी थी और उस हीट एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें, केमिकल एनर्जी में, तो ये कन्वर्जन करते वक्त उस 100 किलो जूल में से कितनी एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, कितना वेस्ट हुआ है. मतलब हम क्वांटिटेटिवली भी देखेंगे अलॉन्ग विथ क्वालिटी. तो पूरा चैप्टर बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड है कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस चैप्टर में हम जब केमिकल थर्मोडायनामिक की बात करेंगे, डेफिनेशन कुछ इस तरह से आता है बच्चों, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस. यहाँ पे वर्ड हमेशा साइंस यूज होता है. रीजन, केमिक थर्मोडायनामिक्स जो है ये सिर्फ केमिस्ट्री ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है, बट ये फिजिक्स ओरिएंटेड चैप्टर भी है. ये इसका जो मेन ब्रांच है वो फिजिक्स ही है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग केमिस्ट्री हम इसको लिखते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हर एक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा. मतलब अगर मेरे पास केमिकल एनर्जी है, मैं उसको हीट में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे कितना हीट मिलेगा, हीट है और मैं उसको केमिकल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा. सो स्टूडेंट, वॉट आई हैव रिटन इज, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड शोज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम. केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखते हैं. पूरे डेफिनेशन को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो इट टेल मी अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. एक फॉर्म से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम दूसरे फॉर्म में. नाउ स्टूडेंट, हियर वी आर गोइंग टू सी कि चैप्टर में है क्या. एक्चुअल में ये चैप्टर जो है एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर है. इस चैप्टर में थियोरेटिकली आज तक प्रूफ नहीं हुआ है. ये चैप्टर ह्यूमंस, लाइक हम जो अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपका पूरा चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको थियरी पढ़ने नहीं मिलेंगी, इस चैप्टर में आपको कुछ लॉस पढ़ने मिलेंगे, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फिर आप उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को मैथमेटिकली इक्वेशंस के साथ प्रूफ करोगे, ड्राइव करोगे, मतलब कुछ डेरिवेशंस होंगे. फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है
उसको प्रूफ करना है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब ये पूरे चैप्टर में आपको लॉस पढ़ने हैं, डेरिवेशंस पढ़ने हैं और उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। बच्चों ये चैप्टर जो है ये लॉ बेस्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में लॉज है, ह्यूमन डे टू डे लाइफ पे एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये चैप्टर है, थियोरेटिकली इसका प्रूफ नहीं है। तो अगर थियोरेटिकली प्रूफ नहीं है बट इसको कोई कॉन्ट्रडिक्शन करने वाला भी नहीं है, मतलब इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं था, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। जब बच्चों हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इस चैप्टर का लिमिटेशन पढ़ेंगे। पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही हम इस चैप्टर का लिमिटेशन पढ़ेंगे। ये लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो बच्चों जब तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो या तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो होता ये है, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन करते वक्त रिएक्शन शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, ठीक है, ये हम हमेशा टाइम को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। मतलब आज मैं कोई एक रिएक्शन शुरू कर रही हूँ, ठीक है, वो रिएक्शन चाहे 2 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, 20 घंटे में हो, या उसको होने के लिए महीनों लग जाए या सालों लग जाए, मुझे उस रिएक्शन के टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्मोडायनामिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम नोटिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ये देखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप घर से निकले, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल मलाड़ हो और आपको चर्च गेट जाना है, तो मलाड़ से आप निकले और चर्च गेट पहुँच गए, थर्मोडायनामिक को सिर्फ इस बात से मतलब है इनिशियल स्टेज, मतलब जहाँ से आप निकले, आप कहाँ से निकले, मलाड़ से, वो आपका इनिशियल स्टेज, फिर उसके बाद आप पहुँच गए चर्च गेट जो है आपका फाइनल स्टेज। तो डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये नहीं देखेगा कि आप इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में कितने देर में पहुँचे, उधर जाने के लिए कितना टाइम लगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो फर्स्ट थिंग व्हाट हियर इट इज रिटन, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन रेट ऑफ रिएक्शन, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली इनिशियल स्टेज मतलब जहां से शुरू हुआ, एंड फाइनल स्टेज जहां पे खत्म हो गया, इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहला ड्रॉबैक हो गया, इसे रेट ऑफ रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों अगर इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, ये मेरा इनिशियल स्टेज है, मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया और उसके बाद आ गया मेरा फाइनल स्टेट, FS इज फाइनल स्टेट और यू कैन राइट डाउन स्टेज, यहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैं पहुंच रही हूँ, स्टॉप करूंगी। तो बच्चों जब टाइम नहीं मैटर करता है तो देखो, इसे सिर्फ ये पता है कि तुम यहाँ से निकले और तुम यहाँ पहुंच गए, तुमको पहुंचने में 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 4 दिन लगा, या तुम तुरंत 10 मिनट में पहुंच गए, फर्क नहीं पड़ता, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट मैटर। मैंने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, कितनी देर में ख़त्म हुआ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो बच्चों एक और चीज़, अब ये मेरा इनिशियल स्टेट था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये मेरा फाइनल स्टेट है, इनिशियल से फाइनल मतलब मलाड़ से चर्च गेट, ये मेरा मलाड़ है और ये मेरा चर्च गेट है। जब हम जाने लगे तो हम छोटे छोटे स्टेप्स में जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम
कोई उड़ के चला गया, ऐसा भी हो सकता है, या कोई पूरा घूम के, पूरी दुनिया घूम के चला गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक को क्योंकि टाइम से फर्क नहीं पड़ता है, इसे रास्ते से भी फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट टॉक अबाउट द पाथ। बच्चों अगर घूम के जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्ट्रेट रास्ते से जाएगा जल्दी पहुंच जाएगा, किसी हेलीकॉप्टर से चला गया और जल्दी पहुंच जाएगा। तो जब टाइम से ही नहीं फर्क पड़ रहा है तो वो आपको पाथ से भी नहीं पाथ भी मैटर नहीं करता। तो हम लोग अगर बात करें, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट टॉक अबाउट पाथ फॉलोड बाय द, इट डज नॉट टॉक अबाउट द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। ये बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है रास्ता कौन सा है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ऐसी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को नोटिस करते हैं। हम चेंज इन प्रेशर की बात करेंगे, हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं। सो इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी मतलब बड़े बड़े चेंजेस को नोटिस करता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट एटम मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं करता। तो आपका थर्ड और लास्ट लिमिटेशन जो है, इट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी दैट मींस मैक्रो इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर बिग, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करता है, जैसे चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक क्या है, अगर हम बात करें एनर्जी कन्वर्जन की बात करना, कि अगर मैंने केमिकल एनर्जी ले लिया है तो उसको हीट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर मैंने 100 जूल लिया है तो मुझे कितना उसका हीट में मिल रहा है, कितनी एनर्जी एंड काइंड ऑफ ऐसा ही। तो अब ना थर्मोडायनेमिक की एक अलग सी दुनिया है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते रहते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस टर्म्स। तो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन थर्मोडायनेमिक।